फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफी का स्टडी अपन तीन पार्ट में करेंगे, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के मैदान और पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र क्षेत्र उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को अपन मेनली हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन को अपन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला है ट्रांस हिमालयन, जो सबसे नदन जोन में है, सबसे उत्तर में है। उसके बाद आता है वृद्ध हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय जो सबसे लास्ट में है, इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बाह्य हिमालय कौन सा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय, तो याद रखना शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोलते हैं। अभी अपन पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में एक डिप्रेशन गर्त जैसा है, उसको अपन बोलते हैं इंडस सांगपो सूचर जोन, ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन। इंडस यहाँ पे है सिंधु नदी के लिए, सांगपो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए, चाइनीज में इसको सांगपो बोलते हैं, वहां पे तिब्बतियन लैंग्वेज में इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, फिर वृद्ध हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद ITSZ, ITSZ के बाद वृद्ध हिमालय, और वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आता है अपना MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसमें कश्मीर वैली है, जिसमें कश्मीर अपना पूरा वहीं पे सिचुएटेड है, तो इसको वैली ऑफ कश्मीर भी बोल देते हैं। यहाँ पे झेलम नदी है, तो इसको झेलम की घाटी भी बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जब अपन झेलम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन। लघु हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय के बीच में जो जोन है उसको अपन बोलते हैं MBF, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, इसको दून घाटी भी बोलते हैं अपन। इसमें यहाँ पे फेमस सिटी अपनी देहरादून की जो फेमस सिटी है। फिर शिवालिक हिमालय के बाद से आगे अपने सदर्न जोन में स्टार्ट हो जाता है ग्रेट इंडियन प्लेन रीजन मतलब भारत के मैदानी क्षेत्र, और उस ग्रेट शिवालिक हिमालय और मैदानी क्षेत्रों के बीच में जो फॉल्ट बना हुआ है, एक डिप्रेशन बना हुआ है, उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय के फ्रंट में जो फॉल्ट है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, यहीं पे इसी को तराई रीजन भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय में क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े कैंकर्स हैं, तो ऐसे जैसे कैंकर्स हैं तो इनमें क्या होता है, जो रिवर की स्ट्रीम है वो इसके अंदर चली जाती है, तो ये बाहर से दिखती नहीं है, तो ऐसे लगता है कि रिवर यहाँ पे लुप्त हो गई है। तराई रीजन में वो रिवर्स रीअपियर हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये पूरा रीजन मार्सी एरिया बन जाता है, दलदली एरिया, तो चावल के कल्टीवेशन के लिए, गन्ने के कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, और ये मार्सी एरिया मॉस्किटोज के लिए अच्छा फर्टाइल ग्राउंड है। मॉस्किटो के कारण यहाँ पे मॉस्किटो बोर्न डिजीज एज लाइक मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस वगैरह ये काफी ज्यादा इस एरिया। ये जो हमने अभी सारा ऊपर पढ़ा, इसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सबसे नदर्न रीजन में ये ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, और ये मोस्ट सदर्न रीजन, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है हिमालय का। और ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय के बीच में इंडस सांगपो सूचर जोन, वृद्ध हिमालय लघु हिमालय में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, शिवालिक और ये आगे अपने ग्रेट इंडियन प्लेन रीजन के बीच में ये HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इसको भाबर रीजन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है अपन ट्रांस हिमालय को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय की तीन रेंजेज हैं, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जास्कर रेंज है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय, फिर ये पीर पंजाल रेंज है, ये धौलाधार रेंज है, ये दोनों लेसर हिमालय का पार्ट है, पीर पंजाल एंड धौलाधार लेसर हिमालय, ये अपना ग्रेटर हिमालय, और ये तीनों जो रेंज है अपनी ट्रांस हिमालय की रेंज है। ठीक है, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से ये यहाँ से ये शोक रिवर ऐसे आती है, और यहाँ से ये लद्दाख और जास्कर के बीच से ये इंडस रिवर ऐसे आती है, तो ये शोक रिवर है, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है और ग्रेटर हिमालय को पियर्स करके निकलती है, इसलिए इसको, इसका ओरिजिन ग्रेटर हिमालय के बनने से पहले हुआ है, इसलिए इसको एंटीसीडेंट रिवर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन काराकोरम रेंज की। काराकोरम रेंज की जो हाइएस्ट पीक है वो है माउंट केटू, या इसको अपन दूसरा नाम है इसका गोंडवन ऑस्टिन चोटी। तो काराकोरम रेंज में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, चोटी का नाम पूछ लेंगे माउंट केटू, इसके अलावा दूसरी जो चोटियां हैं घासेरब्रम मासेरब्रम। ठीक है, ग्लेशियर इंपॉर्टेंट कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर हाइएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर, फिर बाइफो, हिस्पर एंड बालतोरो।
सियाचिन ग्लेशियर अभी काफी न्यूज में रहा है डिस्प्यूट के कारण, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना जरूरी है, करंट अफेयर्स में उसको हम कवर करेंगे। फिर आता है, अगर आप अपने डेली करंट अफेयर सुनते हैं तो उसमें आपका इसको डिस्क्रिप्शन इसमें डिटेल में मिलेगा। लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन, लद्दाख जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट रकाबपोशी, या जो सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी भी इसको बोलते हैं। तो सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी होगी? माउंट रकाबपोशी चोटी, ठीक है। फिर लद्दाख और जास्कर के बीच से मैंने आपको बताया सिंधु नदी, या जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, ये इंडिया के ओनली लेह डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर से ओरिजिन होता है, इंडिया के लेह से निकलती है, पाकिस्तान में ये चली जाती है। ओके, अब ट्रांस हिमालय के बीच में दर्रे बने हुए हैं जो भारत चीन की सीमा पे बने हुए हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बने हुए हैं। चाइना अपने साथ दो जगह बॉर्डर शेयर करता है, एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले जोन में और एक अरुणाचल वाले जोन में, बीच में अपने तिब्बत एज ए बफर जोन का काम करता है, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो हैं, एक तो काराकोरम दर्रा है, फिर लंकाला है, काराकोरम लंकाला है, दो इम्पोर्टेंट हैं, फिर चांगला, जाराला और चरदंगला। जाराला एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस रिवर इसी के थ्रू आती है, तो ये इंडस रिवर। फिर लद्दाख रेंज में है खारदुंग, तो ऐसे पूछ लेंगे खारदुंग कौन सी रेंज में, तो देखो के एच से ये खत्म होता है और ये के एच से स्टार्ट होता है, लद्दाख मतलब खारदुंग, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी एम सी टी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो वैली ऑफ कश्मीर वाला रीजन है, वैली ऑफ कश्मीर में कौन कौन सी सिटीज हैं? अनंतनाग सिटी है, श्रीनगर है, श्रीनगर के पास में पाम्पिरो, पाम्पिरो जहाँ पे केसर की मंडी है, ठीक है। फिर वुलर लेक आ जाती है और बारामूला आ जाते हैं। वृद्ध हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, ये अभी हम सीधा थोड़ा आगे आ गए हैं, अभी पढ़ लेते हैं इसको। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय को अपन मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, जिसे जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर की घाटी भी कहते हैं। झेलम नदी, इस घाटी में झेलम नदी अनंतनाग के समीप कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है, जो श्रीनगर और वुलर झील से होती हुई बारामूला के समीप कश्मीर की घाटी से बाहर निकलती है। जो झेलम रिवर है इसके साथ में हिमानी जलोद आते हैं। हिमानी जलोद क्या होते हैं? जैसे कोई भी ग्लेशियर जब भी वो बह के आता है तो उसके साथ में काफ़ी सारे वो छोटे छोटे कैंकर्स वगैरह वो आ जाते हैं, तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। ये डिपॉजिट हो जाते हैं इस यहीं पे, इस वैली में डिपॉजिट हो जाते हैं, इनको अपन करेवा बोलते हैं। और ये करेवा जो है वो केसर के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केसर का कल्टीवेशन अच्छा होता है, और पाम्पीरो है वहाँ पे सबसे अच्छा जो जगह है केसर का कल्टीवेशन होता है। श्रीनगर जो यहाँ के पास की जो सिटी है वहाँ पे इसकी मंडी स्थापित की गई है, तो ये अच्छा केसर का बिजनेस के लिए अच्छा है। कश्मीर की घाटी में अवस्थित वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मतलब झेलम नदी पे ये वुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। फिर अपन पढ़ते हैं ITSZ और ग्रेटर हिमालय। ये अपना ग्रेटर ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की इधर क्या हो गया? ITSZ। इधर क्या हो गया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ग्रेटर हिमालय इधर जास्कर रेंज और सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस। अब पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय की स्ट्रक्चर। तो ग्रेटर हिमालय का जो इधर वाला ये वाला एंड है, वेस्टर्न एंड है या नर्दर्न एंड बोल दो इसको, तो ये है नंगा नंगा पर्वत, ठीक है। और इसके ऊपर ये ITSZ, इसके ऊपर ये ट्रांस हिमालय की रेंजेज, ठीक है। नीचे इसके ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट और इधर लेसर हिमालय की रेंज। तो ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच में ITSZ, लेस ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय के बीच में MCT, और ये अपना पूरा का पूरा नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में, ये अपना ग्रेटर हिमालय। अब जैसे उसमें अपने पिक्स पड़ी थी ट्रांस हिमालय में, वैसे ग्रेटर हिमालय की पिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर हिमालय की पिक्स कौन कौन सी हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। इनको इसी क्रम में याद रखना जरूरी है क्योंकि वो पूछ लेंगे नॉर्थ से साउथ, तो केदारनाथ सबसे नर्दन में है, फिर बद्रीनाथ है, फिर नंदा देवी है, या फिर वो पूछ लेंगे वेस्ट से ईस्ट, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा, धौलागिरी और ये गुरु शिखर, ये और माउंट एवरेस्ट,
जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट और माउंट काली, ये सारी की सारी नेपाल में है। ठीक है, ये धौलागिरी तक ये नेपाल में है। अपने इंडिया में सिक्किम में है माउंट कंचनजंगा। ओके, तो ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए आप पढ़ते हैं इसके बाद, जो ग्रेटर हिमालय में जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे दर्रे हैं लेकिन अपने को कुछ काम के दर्रे याद रखने हैं, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। तो इनके लिए ये ट्रिक है ZBS LNJ, इसको आप जैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जोजिला पास, ठीक है, फिर है बुर्जिल पास। बुर्जिल बुर्जिल इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जोजिला पास है। फिर जोजिला के बाद में बारालाचला, बारालाचला के बाद में सिपकिला, सिपकिला के बाद में लिपुलेख, लिपुलेख के बाद नाथुला और जलेपला, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहले जोजिला पास। तो जोजिला पास जो है, मैंने आपको बताया कि इसको ये ग्रेटर हिमालय है, इसके नीचे लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय की दून घाटियां हैं, जिनमें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना वो जेलम की घाटी है, ये हो गया श्रीनगर, श्रीनगर है जेलम घाटी में स्थित है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा है, लेह लद्दाख है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो पास है वो पास है जोजिला पास है। ठीक है, अगला पास है बारालाचला। तो बारालाचला पास है, फिर अपना सिपकिला पास। बारालाचला से के पास क्या होता है, जैसे ये बारालाचला पास है, इसके पास से दो रिवर निकलती हैं, चंद्रा रिवर और भागा रिवर, और दोनों मिलके कौन सी रिवर बना देती हैं, चिनाब रिवर, बारालाचला से। फिर सिपकिला रिवर, सिपकिला से सतलुज नदी एंटर करती है। अब जो सिपकिला का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सिपकिला इस पास के थ्रू एंटर कर रही है, मतलब इसका ओरिजिन ग्रेटर हिमालय से भी पहले हुआ हुआ है। तो ग्रेटर हिमालय से पहले हुआ तो सतलुज भी कैसी होगी, एंटीसीडेंट रिवर हो गई आपकी। पहली एंटीसीडेंट कौन सी पड़ी थी अपने, इंडस रिवर। दूसरी एंटीसीडेंट कौन सी हो गई, सतलुज रिवर हो। उसके बाद में नेक्स्ट है लिपुलेख पास। लिपुलेख से अपने काली रिवर एंटर करती है, जिसे अपन इंडिया में अपने शारदा रिवर भी बोलते हैं, और इसी काली रिवर पे पंचेश्वरा डैम इंडिया नेपाल का मैत्री प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है। फिर है नाथुला और जलेपला, जैसे ये अपना सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के इधर वाला एरिया ये तिब्बत, इधर है भूटान। तो ये एक पास इधर है, एक पास इधर है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो जो इसको पास जो जोड़ता है वो है अपने नाथुला पास। तिब्बत की राजधानी है लाचा, तो नथुलाल, नथुलाल नाम से याद कर सकते हो। लासा को जोड़ता है वो नाथुला, और भूटान थिम्पू को जो जोड़ता है वो जलेपला। जोजिला दर्रा श्रीनगर को ले से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचला हो गया, सिपकिला हो गया। ओके, ये अपने सिक्किम का दर्रा पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं अपना लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय की चार रेंज हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटीबा, महाभारत। पीर पंजाल में दो दर्रे हैं, बनिहाल और पीर पंजाल। बनिहाल मतलब जंजाल लाइक कुछ। तो जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, वो हो गया अपना जोजिला दर्रा। मतलब आप पे यूँ मानिए ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू, और यहाँ पे लेह। तो ये जोजिला दर्रा और ये बनिहाल दर्रा।
पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जबकि धौलाधार मोस्ट सदर्न रेंज है। और जो बनियाल दर्रे में जो टनल बनाई गई है उसको जवार टनल बोलते हैं। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाली संरचना को मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। इसे उत्तराखंड में दून घाटी और जम्मू कश्मीर में उधमपुर कोटली की घाटी भी कहते हैं। शिवालिक पर्वत का विस्तार पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दिहांग जोर्स तक है। मतलब ये देखिए आप, ये शिवालिक का ये पोटवार बेसिन और ये अरुणाचल का दिहांग जोर्स। इस पर्वत के उत्तर में MBF इसे और ये लघु हिमालय से अलग करती है, और नीचे है इसके HFF जो ग्रेट इंडियन प्लेन से इसको अलग करती है। हिमालय पर्वत क्षेत्र से लाई गई नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से उत्पत्ति हुई, इसकी ऊंचाई कम होने के कारण हिमालय की न्यूनतम श्रृंखला है। जो शिवालिक रेंज है अपनी, उसकी उत्पत्ति जो आगे वाली यहाँ से रिवर्स आ रही थी, ये अपने साथ में जो डिपॉजिट्स लेके आई थी इनके डिपॉजिशन से हुआ है, और ये लेटेस्ट रेंज है इसकी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, अब हिमालयन रेंज अपना पूरा हो गया। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय है उसके जो रेंज है वो कौन कौन सी हैं। ओके,